पीछा करो। टोनी, लगता है डॉक्टर निकल गया, चल आगे देखते हैं। लकड़ी के मार अबे ये झापनिया, ये ना टोपी का वाट लगा दिया तू, अबे टोपी का इज्जत निकाल दिया तू, हाँ मेरे टोपी का इज्जत निकाल दिया। देखिए अबे तेरे को शर्म माना मानता है, सवा गैलन दूध पीता और 15 किलो मटन खाता और एक टपोरी से पीट जाता है, 17,500 रोज का खर्चा है इसका। तेरे को रेस का घोड़ा बनाता रे, इसका घोड़ा टट्टू नहीं, जा फोड़ के आने तो तेरे को मैं फोड़ डालेगा, जा। ये देख फिर पट्टी खाया तेरी, अबे माल घसर करेगा क्या मेरा बेहोश। अबे हाथ छोड़ तेरी, अबे उठ गया तेरी। अबे फॉरेन का टाइगर, इधर बैठे क्या कर रहे तू, जाके फोड़ और दबाए देना, खलास कर देना, कुछ होएगा पुलिस को मैं संभाल लूंगा, जा।
मैं ये तो टट्टू का भी टट्टू निकला तेरी तो। अबे ओ पैसे निकाल। काय का पैसा? अरे काय का रुपया मांगता है तू? अरे मेरे दोनों घोड़े बीमार थे, मालूम नहीं तेरे को? ए टकलिया, दोनों बीमार थे कि नहीं पूछ ले इसको। अरे ये तो सिर्फ दोस्ती यारी में किया यार, कल आप फ्रेश फ्रेश में आ, तेरे को मैं डबल पैसा देगा। चल ठंडा हो जा, ठंडा मंगाता हूँ, बैठ जा इधर आके। ए गल्ले में हाथ नहीं डालना, एड़ा टोपी के गल्ले में कोई माई का लाला आज तक हाथ नहीं डाला है। दादागिरी करता अपन से, तेरे जैसे दस शाने को रोज टोपी पिनाता ये एड़ा टोपी, समझा क्या? अबे चूहे, मैं सिर्फ मौत के खेल में कूदने का शौक नहीं रखता, अपना हक लेना भी जानता हूं मैं, समझा? अरे तूने एड़ा टोपी को छेड़ा है, एड़ा टोपी को छेड़ा, एड़ा टोपी की इज्जत पे हाथ डाला है। ये खाली टोपी नहीं है, एड़ा टोपी का इज्जत है, इसने अपन की इज्जत पे हाथ डाला है, इसको छोड़ना नहीं। जा इंस्पेक्टर इनामदार को फोन कर। ये लीजिए चाची, लीजिए चाची। अगर हम पे उपकार ना करते, अगर हमारी मदद ना करते तो हमारी बेटी की शादी कैसे होती? चाची चाची रोइए मत, एक तो आप मुझे बेटा मानती है, फिर आप मेरी मदद को उपकार क्यों मानती है? क्या सुनीता मेरी बहन नहीं है? सुनीता शादी की तैयारी करना। अच्छा चाची मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हें सलामत रखे। अरे रोको, अरे रोको, इधर ही रोको। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही है, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इसको। यही वो ढापने है जिसने मेरे क्लब को क्रूर क्षेत्र बना दिया है, और इंस्पेक्टर साहब इसने मेरा गल्ला लूटा, तुम्हारी माँ की, अरे मेरी माँ की कसम इसने मेरा गल्ला लूटा, ये देखो भिखारी बना दिया। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। चल पुलिस स्टेशन, चल जी पे बैठ। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? आज चलकर सब पता चल जाएगा। मैंने पूछा मेरा गुनाह क्या है? साले पुलिस के आगे जुबान चलाता है। देखेंगे, मैंने इसके क्लब में कोई गलत काम नहीं किया, बेईमानी तो इसने की है, पैसे देने से मुकर गया। साले जुबान चलाता है मेरे सामने, अभी निकालता तेरी दादागिरी। चल इंस्पेक्टर साहब, ये गुंडा बुंडा नहीं है, हमारी बस्ती का नेक लड़का है, इसे छोड़ दीजिए, हमारे दुख तकलीफों में साथ देता है। ए ये हीरो लगता है इधर का, तेरा पूरा हीरोगिरी निकाल देगा, कानून का पिंजरा देखा है क्या? चल। देखिए साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कोई दादागिरी नहीं की, गलती मेरी नहीं है। हाँ हाँ गलती तेरी नहीं है, गलती तो है तेरे माँ बाप की, जो अपनी मजा मस्ती करने के लिए पैदा करके फेंक देते हैं कुछ जैसे कीड़े मकोड़ों को। साले की दादागिरी मैं निकालता हूं, शक निकालो साले की। Thank you.
अरे क्या टोपी भाई, कैसे काय, कैसे हैं? धंधा पानी एकदम बढ़िया बढ़िया चलता है ना? अरे धंधा पानी का वाट लगा दिया वो ढापनिया ने। क्यों? साला इसकी तो अपन के टोपी पे हाथ डाला, मतलब अपन का इज्जत पे हाथ डाला कि नहीं? और वो अपना खास आदमी है ना, फॉरेन का टाइगर। हाँ। उसका नटबोल्ट ढीला कर दिया साले ने, अभी अपन उसका नटबोल्ट ढीला करवा रहे लाए। तुम कैसे गुंडों का इलाज है मेरे पास? अरे तेरी बीमारी भी ला इलाज है इंस्पेक्टर। टोपी ने पौटिया डाल दी होगी तेरे सामने। अरे तू तो कानून का वो बिल्ला है जो पौटिया देख के तल में जाता है। साले बहुत लंबी है तेरी, ठीक तो मैं अब भी से सकता हूँ, लेकिन मैं अभी चौकी से तबादला नहीं चाहता। पानी मत देना हराम सादे को। क्या हुआ, कुछ रोया चिल्लाया? कहीं वो ढापनिया ने अमिताभ बच्चन की फिल्म तो नहीं देखा? मर्द को दर्द नहीं होता है? पुलिस स्टेशन में अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। इस लड़के से आजीज आ गया हूं मैं, आए दिन झगड़ा टंटा। एक कसर रह गई थी पुलिस के रजिस्टर में नाम सेटने की, वो भी पूरी हो गई। चाचा हो सकता है गलती अविनाश की नहीं हो, किसी ने दुश्मनी निकाली हो। हाँ लेकिन दुश्मनी मोल देने की जरूरत ही क्या है? इस शहर में मैं 12 घंटे खट के 2 वक्त की रोटी जुटाता हूँ, और वो आदमी अपने खून से ही हारता है। कलेजे के टुकड़े की तरह संभाला है मैंने उसे, अब जमानत के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे किसी के। चाचा आप अपने आप को अकेला मत समझिए, जमानत का बंदोबस्त हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। आइए चलिए। ये रहे जमानत के पेपर। कोर्ट के ऑर्डर है इसलिए मजबूरन उसे छोड़ना पड़ेगा। पटाकर जरा लेके आओ उसे। जी। ऐसे गुंडों की वैसे जमानत होनी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब वो गुंडा नहीं है, हाँ थोड़ा गुस्सेल स्वभाव जरूर है, लेकिन वो ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हर गुंडा मवाली का बाप यहाँ आकर यही बोलता है। इस बार तो वो चलकर चारा पुलिस स्टेशन से, अगर अगली बार यहाँ आया ना तो चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं देखता क्या है, चल दस्तखत कर इधर। अबे सुनता नहीं है, देखता क्या है? देख रहा हूं कानून की दलाली तेरे चेहरे पर सुर्खी बनकर कैसे छा गई है। तेरी इंस्पेक्टर साहब जान लीजिए क्या बकवास कर रहा है, होश में है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। हाँ। जब तक मेरा वास्ता यहां से नहीं पड़ा था मैं भी इसे पुलिस स्टेशन ही समझता था, लेकिन आज ये मेरे लिए कानून के दलालों के मंडी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर इनामदार जैसे लोग अपना जेब भरने के लिए। अविनाश बेटा नहीं, बेटा नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, अविनाश, अविनाश छोड़ दे। इंस्पेक्टर तुझे इस कुर्सी से नई दुनिया से रिटायर कर देना चाहिए, मगर कुछ मजबूरियों के वजह से यह नई काम अभी मेरे हाथों से नहीं हो पाएगा। अरे
क्या बकवास कर रहा है? चल यहाँ से, चल, 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 चल। मेरा टोपी, टोपी भाई, इनामदार। भाई आखिर तुम्हें करना क्या है ये तो बताओ। हर रोज नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। पुलिस या गुंडों से उलझने की औकात नहीं है हमारी। दादाजी गलती मेरी नहीं थी, इंस्पेक्टर को रिश्वत दी गई थी मुझे फंसाने के लिए। हाँ लेकिन तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? उल्टे सीधे लोगों से तुम्हारी दोस्ती या दुश्मनी होती क्यों है? करते हो तुम और भुगतना पड़ता है मुझे। अब इस बुढ़ापे में पुलिस मुझे बेइज्जत करे तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा? आप हमेशा मुझे दोष क्यों देते हैं? मेरा कसूर यह है कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना पड़ता है, इस शहर में रहना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो हर गली हर नुक्कड़ पे उलझना पड़ेगा लोगों से। देखो अविनाश, मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला है। आज तक किस्मत ने बहुत घाव दिए हैं मुझे। उम्मीद थी कि तुम बड़े हो जाओगे, जिंदगी के आखिर के सारे दिन सुख से कट जाएंगे, लेकिन अब कोई पुलिस तुम्हें गुंडा या मवाली कहे तो वो सुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। रिक्शा रोको भाई। दादाजी आप, मैं मिल जा रहा हूं, तू भी डॉक्टर के पास जाके पट्टी कर ले और कान खोल कर सुन ले। अब तूने कुछ झगड़ा फसाद किया तो मुंह नहीं देखेगा मेरा। मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। तेरे खून का उबाल जब उठाए तो अपने दादा की बात याद रखना। जाओ भाई। ₹32। पंगा लेने का अंजाम देख लिया? हाँ, जामीन देके छूट गया था। येरा टोपी के पास नो जामीन, नो बेल, नो ऑर्डर। तेरी एक
कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। एड़ा टोपी से टकराया है, एड़ा टोपी से। चले चल, एड़ा टोपी के हाथ में पूरा पुलिस फोर्स है। ये सब कहाँ रहा है? धंधा में ताला लगाओगे का? साले रोज एक बाटली दारू और एक मुर्गा अंदर गटका दो। कोई काम बोलो तो, ए, कोई काम बोलो तो, इतना सा काम बोलो तो, छुटका सा काम बोलो तो होत ना। और अभी साले कोठे की कोई छोकरिया के साथ सुलाए दो तो बेटर या चार्ज। गुल्लू सेठ, एक चांस और दो मेरे को, अब वो डॉक्टर बचेगा नहीं। अबे तू डॉक्टर की फिक्र छोड़ और अपना फिक्र कर। तू लंगड़ा और चटवा को जानत ना है, हम जानत है। अपने घोड़साल में लंगड़ों की भर्ती नहीं करता। बढ़िया किया ईका मार के, आप बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आप अगर ईका गोली ना मारते तो हम मार देता। वो कहा है बाबू भैया कि ईका औरत का ऑपरेशन के वास्ते हम ईका 40,000 रुपए दिए रहे हैं, तो हम सोचा था कि पैसा वापस ले ले फिर ईका बत्ती बुझा दे, लेकिन आपने अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। का चट्टा साहब, आपको क्या लागत है? मुझे टोनी की मौत से कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे मारने के लिए तुमने क्यों गोली जाया की? टोनी तो तुम्हारा हथियार था गुल्लू सेठ। डॉक्टर खुराना को मारने का ठेका हमने तुम्हें दिया था, टोनी को नहीं। टोनी पर गोली बाबू ने नहीं, तुमने दागनी चाहिए थी। बात तो मैंने सोची नहीं। बोलो, डॉक्टर खुराना की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यह काम तुम्हें बहुत जल्द निपटाना है। और जब तक उसकी मौत की खबर नहीं आती, हाँ, मेरे सामने तो मुझे फांसी का फंदा नजर आता है। आप लोग तनिक भी चिंता मत ही करो, शहर का कोई भी कोनामा वो ससुर डॉक्टर वा छिप ना सकत है। हम खुद ढूंढूंगा उनको। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, आज आपकी मदद से एक नौजवान की जान बच गई है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं यहां हूं ये बात सिर्फ मेरी बेटी नेहा जानती है और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूं डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच। सर, पेशेंट को होश आ गया। रिलैक्स, मैं डॉक्टर खुराना, ये डॉक्टर शुक्ला है। कौन लोग थे वो, तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? तुम्हारे कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार, उन्हें खबर कर दें। और कान खोल कर सुन ले, अब तूने कुछ झगड़ा फसाद किया तो मुंह नहीं देखेगा मेरा। मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं।
You relax. We'll come later. बता येड़ा टोपी का बता। चले गए थे तुम्हारे साथ पर चोट कैसी और ये खून मेरी बात का जवाब दो सुनील तुम मुझे पहचानते नहीं मैं नेहा नेहा सुनील देखिए मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ तुम्हें क्या हो गया है तुम सुनील हो सुनील मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ सुनील रुक जाओ सुनील हेलो डॉक्टर शुक्ला हियर जी मैं डॉक्टर खुराना से बात कर सकती हूँ वन मिनट डॉक्टर आपका फोन मेरा हेलो 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 मैं नेहा नेहा तुम कहाँ से बोल रही हो डैडी मैंने सुनील को देखा वो जख्मी हालत में था उसने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया डैडी डैडी उसके सर से नेहा तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान को खतरा है मैंने तुमसे घर पर रहने को कहा था कि नहीं लेकिन डैडी अच्छा तुम मेरी बात सुनो घर पर जाओ और कोई भी दरवाजा खटखटाए दरवाजा मत खोलना कहाँ गए थे तुम ये नए जख्म लेकर कहाँ से आए हो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं बाथरूम में गिर गया था झूठ मत बोलो अपनी हालत का अंदाजा है तुम्हें तकदीर तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाई है जानलेवा घाव है तुम्हारे शरीर पर ऐसी हालत तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई कभी कभी घाव के दर्द का एहसास मर जाता है शायद मेरी हालत ऐसी है लेकिन तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो क्या तुम सोच भी सकते हो कुछ भी हो सकता था अविनाश एक बात याद रखो कोई भी लड़ाई जीतने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है नर्स क्या बकवास है ये मुझे रिजल्ट चाहिए रिजल्ट अपने एरिया के क्राइम रिकॉर्ड देखो जाके दूरत देखो अपनी अपने घर के आईने को जाके साफ करो इनामदार पिछले 9 साल से सरकारी रोटियां तोड़ रहे हो तुम आई एम सॉरी सर मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए टाइम का ही तो सारा खेल है इनामदार और टाइम कोई नहीं समझते तुम लोग
फिल्म वाले हम पुलिस वालों को पीछे लाइन में खड़ा रखते हैं। पूछो क्यों? अरे मैं कहता हूं पूछो क्यों? क्योंकि हम लोगों का टाइम का सेंस ही खत्म हो गया। जिस जगह पर लफड़ा होने वाला हो बरोबर टाइम पर हम लोग उस जगह से निकल जाते हैं, और जहां लफड़ा हो चुका होता है बरोबर टाइम पे हम लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। क्यों सर? मैं येड़ा टोपी वाले लफड़े की आपको बहुत जल्द प्रोग्रेस दूंगा। जो कुछ करना है जल्दी करो। अरे भाई कोई मिसाल बनाओ, कोई जगह बनाओ पब्लिक और फिल्म वालों के दिल में। उनका जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा है उसे जाके संभालो। जाओ। देखिए, दो दिन पहले मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, मेरा पोता अब तक घर में नहीं आया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो बरोबर है साहब आपका, बिल्कुल बरोबर है, लेकिन मी हवलदार ले पटक कर वल्द दे पटक कर कभी कुछ भूलता नहीं है। साहब आपका रिपोर्ट कोई और लिखा होएगा। अपुन नहीं साहब, अपुन नहीं। उन दिनों में 3 दिन के लिए कमिश्नर साहब पे ड्यूटी पे था, कमिश्नर साहब पे ड्यूटी पे, उनका मेरे बिना चलता नहीं साहब, क्या करे। अभी अपन लोग को हर तरफ देखना पड़ता है ना। खैर एनी वे, क्या नाम क्या बताया आपने? अविनाश सक्सेना। अविनाश, अविनाश, अविनाश। हेलो हवलदार ले पटक्कर स्पीकिंग। हेलो मैडम। यस मैडम, क्या कुत्ता लापता हो गया? वन मिनट मैडम, वन मिनट। क्या नाम बोलो? लूसी। लूसी। उम्र बोलो। अंकल आप जरा थांबा थांबा। 6 बरस, मेल फीमेल? फीमेल। कोई लफड़ा आजू बाजू किसी कुत्ते पे डाउट है क्या? ओके, कितना लफड़ा है, कुत्ते के लिए कितना लफड़ा करते हैं लोग। आगे नाम क्या बोला आपने? अविनाश सक्सेना। अरे बाबा, बाप का नाम बोलो, बोलो बोलो। इंदर, इंदर मोहन सक्सेना। ये मिल गया। अरे ये इधर साइन कौन केला होता? मैं उसका दादा हूँ। तो बाप कहाँ गया उसका? उसका बाप अब नहीं है इस दुनिया में। आपको इन बातों से क्या? अविनाश 2 दिन से गायब है और उसकी दुश्मनी येड़ा टोपी के साथ थी। पहले भी उसके गुंडे अविनाश से उलझ चुके हैं। ओह, तो अविनाश सक्सेना 2 दिन से घर से लापता है और येड़ा टोपी की लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। आप घबराइए नहीं, अविनाश को पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा पुलिस को उसकी फिक्र है। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पहले सवाल भी... बहुत करते हो अविनाश, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तू अविनाश सक्सेना को जानता है ना? वो अपना राममोहन जी का पोता। हाँ, एक खून के सिलसिले में तलाश है उसकी, यहाँ वो अक्सर बैठता है। हाँ सर, पर बहुत दिवस था क्या, वो इधर आया नहीं है। तेरी सस्ताले, पुलिस के आगे झूठ नहीं चलता, मैं हालत में हाथ डाल के सच उगलवा लेता हूँ। पर सर मैं सच बोलता हूँ, वो इधर आया नहीं। तो फिर मैं जब आएगा तो मालूम है ना क्या करना है? हाँ सर, आपको इन्फॉर्म करने का, और क्या। मुझे मालूम नहीं सब। साले झूठ बोलता है, उसे कहना मैं आया था। साले अविनाश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारे लिए है। आई एम ग्लैड यू आर ओके। थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपकी मेहरबानियों से हो पाया है। पता नहीं आपकी मेहरबानियों का एहसान चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं।
तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर के एक हिस्से को नासूर होने से बचा लिया है मैंने। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी तकदीर मुझे यहां से कहां ले जाने वाली है, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब देने वाले थे। वक्त आ गया है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूं। आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये हाँ, वो बहु तुम्हारे जैसा है। ऊपर वाले किसी करिश्मे ने तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी का एक पत्रा फेंक दिया है। ये सुनील है, सुनील वर्मा। बहुत छोटा था जब मैंने इसे सड़क से उठाया था, पढ़ाया लिखाया, बहुत होनहार और काबिल लड़का था। मैंने इसे एक प्राइवेट क्लिनिक खोल कर दिया था, जिसे बहुत मेहनत से चला रहा था। मेरी एक बेटी है नेहा। सुनील, क्या बात है सुनील, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नेहा, नेहा। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सुनील में वो सारी खूबियां थी जो एक बेटी का बाप अपने दामाद में चाहता है। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी साल इन दोनों की शादी होने वाली थी। इनकी सगाई करने के बाद मैं एक सेमिनार अटेंड करने दिल्ली गया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर डॉक्टर का अपने पेशे से एक खास लगाव होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, उसके आपका बॉम्बे से फोन है। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ सुनील, क्या बात है? आई वॉज इन ए मीटिंग। नेहा से फिर झगड़ा हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या, कितने लोग हैं वो? पुलिस को खबर की तुमने? नेहा कहाँ है? देखो, तू वापस डिस्पेंसरी मत जाना। हाँ, मैं वहां आ रहा हूँ। सुनील, तुम मेरी बात, हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनील, हेलो। उस रात जब मैं बंबई पहुंचा तो सुनील की लाश किसने मारा? उसे क्लिनिक में दो अपराधी पुलिस से बचते हुए आ चुके थे। उनमें से एक की टांग में गोली लगी थी। उन्होंने जबरदस्ती सुनील को ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। उनकी नजरों से बचकर सुनील ने मुझे कांटेक्ट किया। उसे क्या पता था कि वो राक्षस का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बेरहमी से सुनील को मार दिया, और ये सब मेरी बेटी नेहा ने अपनी आंखों से। तब तो नेहा ने उन्हें पहचाना होगा। वो तो खुद एक जिंदा लाश बन चुकी है। वो यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने होश आवाज खो बैठी है। वो अभी सुनील को जिंदा समझती है, और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसको इस झूठ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। मजबूरन मैंने उसे कहा कि वो सुनील से हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए वो नाराज होकर चला गया, और वो बेचारी Thank you.
आगे? मुझे पूरा विश्वास था तुम नाराज होकर बहुत दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। देखा देखा डैडी, अब शर्त हार गए। सुनील, डैडी कहते थे कि अब तुम वापस कभी नहीं लौटोगे, मैं लड़ गई इनसे। अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, लेकिन ऐसी सजा मुझे दोबारा मत देना प्लीज। मुझे माफ किया ना। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने माफी मांगी थी ना तुमसे, और फिर झगड़े में पूरी गलती मेरी तो नहीं थी, बात तो तुमने बढ़ाई थी। डैडी डैडी, आप डैडी सुनील मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? डैडी आप चुप क्यों हैं? बस बहुत हो चुका, आप दोनों मेरे साथ कौन सा नाटक खेल रहे हैं? और नफरत करो मुझसे, मैं इसी लायक हूँ, नफरत करो मुझसे। छोड़ दो इसे। नेहा, नेहा, नेहा मेरी बच्ची। लगता है डॉक्टर अंदर है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों ने सुनील को मौत के अंधेरे में धकेला, वही अब मेरी और नेहा की जान के पीछे पड़े हैं। मुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है, डर तो इस बात का है कि अगर उन्होंने नेहा बेटी को पकड़ लिया तो ना जाने क्या जुल्म ढाएंगे इस बेचारी पर। मैंने सोचा था कि नेहा को लेकर शहर छोड़कर चला जाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी इस बुजदली से सुनील की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। एक तरह से सुनील की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने उस दिन उसे वहां से भाग जाने के लिए ना कहा होता तो शायद आज सुनील जिंदा होता।
डॉक्टर साहब आप इस तरह खुद मैं क्या करूं, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। पुलिस ने तो बस सुनील की लाश का पंचनामा करके अपना फर्ज निभा दिया, अब तो मेरी फरियाद का बस मजाक ही उड़ा सकती है। अविनाश वहां से हटो, हटो। डॉक्टर साहब अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, उन लोगों को पता चल चुका है कि हम यहाँ हैं, हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो नेहा को उठाओ। अबे अबे काहे को गुल्लू सेठ का गुल्ली उड़ाने में तुले तुम लोग, अगर वो डॉक्टर का बत्ती ना है बुझा तो हमारा बत्ती बुझ जाएगा, वो लंगड़वा और चढ़वा हमका जिंदा ना छोड़ेगा। गुल्लू सेठ उस डॉक्टर के साथ एक लड़का और भी था, मैं उसे नहीं जानता। अपने बाप को जानता है, बत्ती बुझा। अब हमका खुद ही पता लगाना पड़ी के नवा छोकरा कौन है और वो डॉक्टर को कौन आकाश पताल में ले गवा है। तुम भी कहां से टकरा गया अविनाश, बस अब तुम अपने रास्ते अलग कर ही लो, हम जिस अंधेरे में भटक रहे हैं हम तुम्हें उसका हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। ये लड़ाई में अकेले जैसे तैसे लड़ी लूंगा, आपके इस लड़ाई में हिस्सेदार बनना शायद मेरे तकदीर में ही है। मैंने अपने अब तक की जिंदगी बिना किसी मकसद के गुजारी, ऐसी कोई मंजिल ही नहीं सूझी जिसके लिए कोई रास्ता चुनता, लेकिन आपको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े अभिशाप से मुक्ति मिली है। जिन पापियों ने आपका यह हाल किया है उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ मगर मुश्किल काम यह है कि इन लोगों का पता चले तो कैसे, नेहा उन्हें पहचान सकती है लेकिन वो खुद सुनील के हादसे के घाव को पाल रही है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह तो खड़ी करनी पड़ेगी नेहा को इस हादसे से उभारने के लिए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आती है तो शायद वो उन चेहरों को पहचान सके। वो तो बस एक भूत बनकर रह गई है, सुनील को जिंदा मानकर वो अब भी सपनों में जी रही है, ऐसी हालत में वो यकीन करेगी तो कैसे। नेहा के झूठ को नेहा के लिए सच करना होगा। मैं अविनाश नहीं सुनील वर्मा हूं। सुनील से जुड़ी हर बात मुझे पता होनी चाहिए ताकि नेहा की पुरानी बातों को ताजा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मुझे यकीन है कि नेहा की याददाश्त लौटेगी। ये नाटक तुम्हारी जिंदगी को जोखिम में डाल सकता है अविनाश। जिंदगी को जोखिम में डालने की आदत सी पड़ गई है डॉक्टर। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, अभी आया। अरे इस तरह रोटी छोड़ देने से अविनाश घर थोड़ा लौटेगा, क्या हालत बना रखी है आपने चाचा जी, अगर इस उम्र में हाथ पैर ने जवाब दे दिया तो क्या करोगे। इस शरीर से आप मोह रहा भी कहां है, सुख की छांव तो मैंने देखी ही नहीं, पूरी जिंदगी हालात की धूप में तप कर कट गई। इसके बाप ने इंद्र मोहन ने कुछ कम घाव नहीं दिए, उनसे उबर भी नहीं पाया कि अब ये अविनाश, अब मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा, उसकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा, उसको सबक देने के बाद ही निवाला उतारूंगा हलक से नीचे। मैं उसका बाप नहीं बाप का बाप हूं। दादाजी आ गया तू कलेजा ठंडा करने मेरा, क्यों आया है तू इस घर में, क्या कर रहा है, कौन सा रिश्ता खींच रहा है तुझे यहां पे। कहा गया था अपने बूढ़े दादा का कुछ ख्याल तुझे है या नहीं। अरे नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं, वो मुझे नौकरी मिल गई है ना। तुझे काम करने की जरूरत नहीं, घर में बैठ, अभी तक तेरे दादा में बहुत जान है। परेशान मत हो बेटा,
अंदर आ। दादाजी, जो काम मैंने अपने हाथों में लिया है उसके खत्म होते ही आपको मुझ पे गर्व होगा। दादाजी, पता नहीं पिताजी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसका जिक्र होते ही आपकी आंखों में गुस्सा देखता हूं। दादाजी, मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए उनके बारे में पूछता नहीं। दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। नेहा, मेरी बात कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मेरी बात नेहा। कुछ नहीं नेहा, पहले मेरी बात तो सुन नेहा। नेहा, नेहा, नेहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्केचबुक, कपड़े। नेहा, सुनील, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। ओके, स्माइल, जल्दी। डॉक्टर साहब, हम घूमने जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम जा तो रहे हो, डर रहा हूं कि इस शहर के पता नहीं किस गली नुक्कड़ पर वो शैतानी नजरें तुम्हें देख ले और कुछ नहीं होगा। नेहा को कुछ नहीं होगा। तुम क्या समझते हो, प्यार मुझे सिर्फ नेहा की जिंदगी से? तुम्हें पता नहीं है क्या जगह बना ली है तुमने मेरे दिल में। ये लो साहब, ये ले 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 ले। साहब, पिछली बार आप 100 रुपए देके भूल गए थे। अरे रख ले यार, आगे के हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे, रख ले। अच्छा साहब, साहब बहुत दिन के बाद आप इधर आए। वो क्या, मैडम ने घर से निकाल दिया था ना, इसलिए। मैडम ने घर से निकाल दिया क्या साहब, आप भी मजाक करते हैं। ये वाला कैसा है? ठीक, अच्छा है। ये वाला अच्छा है, देखो तो सही। बहुत ही अच्छा है, ले लो ले लो। क्या लोगी, चाय, कॉफी, कोला? हाय, थम्स अप। क्या लोगी? थम्स अप। थम्स अप इनके लिए, और इनके लिए थम्स अप, और आपके लिए वही फ्रेश लाइम सोडा। क्यों सर? ओके सर, अभी लाया। नेहा, तुम यहाँ बैठो। क्यों बैठो? बताता हूँ। वो ड्रेसेस जो मैंने खरीदे तुमने देखी भी? ऑफ कोर्स देखे मैंने। अच्छा, उसमें से तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद आया? वो रेड वाला। मैंने लाल वाला खरीदा भी नहीं था। वो लाल वाला तुमने नहीं खरीदा? नो, आई एम सॉरी। तो फिर वो ब्लू वाला। तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नथिंग। व्हाट इज द मैटर विद यू? मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉरगेट इट। नेहा, नेहा लिसन टू मी, नेहा, 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 तुम्हें हुआ क्या है? नेहा, मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले मेरी तारीफ करते थकते नहीं थे,
जब से तुम आए हो मेरी तरफ देखते तक नहीं, बातें करना दूर, मुस्कुराहट तक नहीं आती तुम्हारे होठों पर। मुझसे दूर रहकर तुम किसी और के साथ। नेहा, मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार पे शक करो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा, नेहा, I love you, Neha. I more than love you. डॉक्टर और उनके पूरे खानदान का पता लगाएंगे, सबको खत्म कर डालेंगे, समझा? Okay.
हम सफर तेरा हर मोड़ पर दिल कहे हम सफर तेरा हर मोड़ पर इंतजार हम करें जानी सार हम करें जानी मर जानी जा दिल ने दी ये सदा तुमसे प्यार हम करें जानी सार हम करें जानी मर जाने जा दिल ने दी ये सदा तुम और तुम्हारे आदमी गीदड़ों की फौज पाल रखी है तुमने एक आदमी को नहीं मार सके तुम सुना है कि शराब आग पकड़ती है मन में तो आता है कि मैं तेरा काम आज ही बजा डालूं ना बाबू ये ना हमको तनिक और टाइम दो वो डॉक्टर तो कहा उसका सारा खानदान का मौत हमरे हाथों होगी हम खुद मारूंगा उसका हमका हमका एक आखिरी मौका और दो बाबू भैया तेरे साइज का कफन तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है ये तेरा आखिरी मौका है समझा हाँ और इसके बाद अगर तुझे यहां पर आना है तो उस डॉक्टर की तबाही की खबर लेके जा क्या बने हैं बेटी डैडी डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है मुझे तू क्या समझती है मुझे ये जिंदगी रास आ रही है सच तो यह है कि पल पल मौत के खौफ में भला कोई जी भी कैसे सकता है मैं तो तेरा चेहरा देखकर रुक जाता हूँ वरना कब का जिंदगी से छुटकारा पा लिया होता नहीं अंकल आपके निराश होने का मतलब यह हुआ कि आपका भरोसा नहीं रहा मुझ पर आप दोनों के सर से मौत का साया मैं हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा नेहा की आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन गुनेगारों को एक बार सिर्फ एक बार उनके चेहरे मेरे सामने साफ हो जाए मैं उनका वो हर्ष करूंगा कि वो दुआएं मांगेंगे जिंदगी के लिए नहीं मौत के लिए Happy birthday to you. Happy birthday, Nia. Thank you. वाह! वक्त की मार ने मेरी याददाश्त को कमजोर कर दिया है मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया जिस दिन का मुझे बेचैनी से इंतजार रहता था मैं वो दिन भूल गया मुझे माफ कर देना बेटी Happy birthday. अंकल आज के दिन कोई उदासी नहीं चलो निया कहाँ मैं तुम्हारा जन्मदिन पिछले साल जैसे मनाऊंगा चलो कितने हुए थैंक यू तुम यहीं रुको मैं टिकट लेकर आता हूं ओके दो बालकनी हाउसफुल हो गया
नेहा जल्दी जल्दी नेहा कहाँ थी तुम? यही तो थी। मैंने तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए कहा था ना? नेहा जानते हो मैं कितना परेशान था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जब तुम मुझसे रूठ कर 6 महीने के लिए चले गए थे तो मैं कितनी परेशान रही होंगी। वो सब ठीक है, लेकिन दोबारा कभी ऐसे मत करना, यू गेट इट? चलो। सुनील, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? एक बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। सोचा आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें यहाँ ले आया। अच्छा, तुम यहीं रुको या अंदर चलो, मैं फूल लेकर आता हूँ। बाबा, ये सब धागे क्यों बांध रहे हैं? बेटी, ये गठबंधन भाग्य की आजमाइश है। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो सुहागन मरे। यहाँ हर औरत आकर इस धागे से गांठ बांधती है। पहली गांठ सुहागन की, दूसरी गांठ विधवा की। कामना सबकी यही होती है कि उसका धागा सुहागन की गांठ पर खत्म हो। और अगर सुहागन के बाद एक गांठ के लिए धागा बच जाए तो? तो फिर 7 अमावस आकर यहाँ चिराग जलाने से ये पाप धुल जाते हैं। लो बेटी, तुम भी लो, अपनी आजमाइश कर लो। नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। इस आजमाइश की हिम्मत नहीं है मुझ में। नेहा, क्या बात है नेहा? कुछ नहीं। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये जो
तुम्हें जब हम पहली बार यहां मिले थे तुम अपने दोस्तों के साथ आई थी और एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के लिए तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, लेकिन गुस्से में भी तुम कितनी प्यारी लग रही थी। तभी मैंने मदर मेरी से रिक्वेस्ट किया था कि माँ मेरी शादी इसी लड़की से करवाना।
यहाँ चलो, यहाँ चलो। इसमें नहीं हो सकते। उसी इसी जगह मारा था उसे। मेरी बात तो सुनो नेहा। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम मेरे सुनील नहीं हो। मेरा सुनील मर चुका है। नेहा, नेहा, नेहा सुनो नेहा, नेहा। देखो मेरी बात तो सुनो नेहा। क्या हो गया अविनाश? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? नेहा की याददाश्त वापस आ गई है। वो जान गई है कि मैं सुनील नहीं हूँ। माय गॉड। नेहा बेटी दरवाजा खोलो। नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज नेहा, नेहा मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो बेटा। नेहा, नेहा, नेहा बेटी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खुदकुशी की बात मुश्किल और कमजोर लोग किया करते हैं। यदि मेरी बात सुनो, ऐसा क्या हुआ है जो अपमान हुआ है हमारे प्यार का? ठेस पहुंचाई मैंने सुनील की आत्मा को। खून हुआ है उसके विश्वास का। नहीं, जब सुनील इस दुनिया में नहीं है तो आपने उसकी जगह किसी और को क्यों? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? बेटी मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना। अनजाने में जो पाप मुझसे हुआ है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है नेहा। अविनाश एक अच्छा लड़का है। तुम्हारे दोनों के बीच की मर्यादा की लकीर हमेशा बनी रही है। जब मेरा प्यार ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? किसी एक सुख के छिन जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती नेहा। तुम्हें एक बार जिंदगी से मोहब्बत करने की जरूरत है। मकसद और मायने खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। हो गया? मैं पूछता हूं उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अब तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट को मेडल मिलना चाहिए। नहीं बाबा भाई, आप कोई ज्यादा परेशान हो रहे हो। इंस्पेक्टर, क्या फायदा तेरा, क्या फायदा तेरा इस कड़क वर्दी का? हाँ, एक शरीफ आदमी को बहरे में से सड़क में मार दिया और तू मुझे बोलता है कि परेशान मत हो। साले इंस्पेक्टर, पब्लिक में जुलूस निकाल दिया तेरा इस पुलिस और कानून का। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर, गुल्लू हमारा आदमी था और हम अपने आदमी की मौत की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। गुल्लू के कातिल का पता बहुत जल्द चलना चाहिए इंस्पेक्टर, वरना हमें तो कानून के दायरे में भी जुर्म का खेल खेलना आता है। तुम अच्छा स्केच कर लेती हो। एक बार उन चेहरों को याद करो, एक बार उनके चेहरे हमारे सामने आ जाए, हम इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। अविनाश ठीक कह रहा है नेहा, दिमाग पर जोर डालो। याद करो उस पल को जिसने सुनील को निगल लिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने सुनील को एक लाश में बदल दिया? कौन थे वो दरिंदे? तुम उन दरिंदों को कैसे भूल सकती हो? उनकी सूरतों को भूलने का मतलब है तुम सुनील को भूल गई हो। नेहा याद करो, नेहा ड्रॉ, कम ऑन कम ऑन। Thank you.
इतने होटलों का मालिक, इसकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। ऐसे आदमी को तो पुलिस बिना सबूत के छू भी नहीं सकती। सबूत मैं लाऊंगा और फिर इसकी असलियत पुलिस के सामने रखूंगा। इससे सुनील का कत्ल भी साबित हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बाबू सेठ को बेनकाब मैं करूंगा। हेलो सर, मैं आपको ड्रग्स और सोने की मूर्ति की स्मगलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? सर, मैं बाबू लंगड़े के होटल से बोल रहा हूँ। ये सब मैंने किचन में अपनी आंखों से देखा है, आप तुरंत रेड कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है सर, आप देर न करें। हाँ, लेकिन प्लीज। हेलो हेलो, कहिए एसीपी साहब, कैसे आना हुआ? चड्डा साहब, हमें आपके होटल की तलाशी लेनी है। हमारे होटल की? जी हाँ, ये रहा सर्च वारंट। एसीपी साहब, लगता है आपको किसी ने गुमराह कर दिया है। हमारे होटल में आपको क्या मिलेगा? ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। हमले, तलाशी लो। ओके सर, आओ। एसीपी साहब, ये ठीक नहीं है। हम लोग शरीफ लोग हैं, होटल चलाने का लाइसेंस है हमारे पास। हाँ, देखिए मिस्टर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। साहब, कुछ मिला आपको? हाँ, अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। हाँ, मगर आपकी इस रेट से हमारा तो मजाक बन गया ना। गिल साहब, हमारे इस होटल में शहर के खानदानी शरीफ लोग आते हैं, और जब उन्हें इस रेट के बारे में पता चलेगा और उससे जो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा उसका मुआवजा कौन भरेगा? मैं आप पर केस कर सकता हूँ। जरूर कीजिएगा चड्डा साहब, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इसलिए हमने तलाशी ली। थैंक यू। और हां, एक बात और चड्डा साहब, पुलिस का हर ऑपरेशन शक के पायदान पे ही शुरू होता है। थैंक यू वंस अगेन। लगता है इस एसीपी के सिंह निकला। एक ईमानदार ऑफिसर को इस शहर की आब हवा बहुत कम रास आती है। ये क्या है चड्डा साहब,
मैंने आपका लाखों का माल बचा और मेरा इनाम सिर्फ ये। ए इनामदार, पुलिस वालों को अपने घर पर ज्यादा दौलत नहीं रखनी चाहिए। ये लो शराब पियो और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती का नशा उठाओ। चीयर्स। हमसे दोस्ती का मतलब है कि दौलत के खजाने की चाबी हाथ लग जाना। चड्डा साहब, आज तो वक्त पर आकर मैंने आप लोगों को खबर कर दी और आप कानून की चपेट में आने से बच गए, मगर आप अपने आदमियों को खबरदार कर दीजिए, क्योंकि आपके उस दुश्मन को ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपकी पीठ पर वार कर रहा है। ए, चलो चलो माल निकालो, चलो बोलो क्या माल लाए हो। अदरक, चरस और थोड़ा बहुत कुल मिला के 36 बक्से हैं। ठीक है। ए, इधर उधर क्या देख रहा है, चल सामान उठा और ऊपर लेके जा, जल्दी जल्दी। कट गया। तूने काटा? अबे कौन है तू? अबे चू क्या बोला? हाँ, चूहे सूरज को मोमबत्ती दिखाता है क्या? अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इंतकाम के लिए एक शरीफ नौजवान की बलि चढ़ा दूं,
मैं ये लड़ाई आपके इंतकाम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं नेहा के आंसुओं की कीमत चाहता हूँ। मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा जिन्होंने उसकी मुस्कुराहट छीनी है। मैं नेहा का बाप हूँ, उसके आंसू उसकी मुस्कुराहटों का वास्ता पहले मुझसे। तुम किस रिश्ते के हक से कब्जा जता रहे हो हमारी जाती जिंदगी पर? मैं नेहा से प्यार करता हूँ। नेहा, मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार पे शक करो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। I love you, नेहा। बेटी, ये गठबंधन भाग्य की आजमाइश है। यहाँ हर औरत आकर इस धागे से गांठ बांधती है। क्या बात है नेहा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अविनाश, अविनाश, नेहा कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। क्या बात है बेटी, आज तेरे चेहरे पर दुख और डर की छाया कैसी? डर के दायरे को तो मैं तोड़ कर आई हूँ बाबा, आज मैं अपने भाग्य की आजमाइश करने आई हूँ। लो बेटी, सुखी रहो। सुहागन, विधवा, सुहागन, विधवा, सुहागन, सुहागन, विधवा।
क्या लोगी? कुछ भी। सूप लोगी? नहीं हाँ सूप लोगी। हाँ। कौन सा सूप लोगी? वॉन्टन, चिकन मॉन्चाव, प्लूम, फूम, जो भी हो सूप। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बातें बाद में, पहले सूप। कौन सा सूप लोगी? अविनाश, अविनाश ये बात बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना जरूरी बातें बाद में, पहले खाना। अच्छा हॉट एंड सार चिकन, और खाने में क्या लोगी? फ्राइड चिकन मशरूम, चिकन मीट बॉल्स, स्वीट एंड सार चिकन, चाइनीज नहीं है बच्चा, 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 ब
मगर आप फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करूं? अपनी बेवकूफी और तुम्हारे जवान खून का नतीजा भोग लिया है मैंने। अब क्या वो लोग नेहा को जिंदा छोड़ देंगे? नेहा सुनील के कत्ल की चश्मदीद गवाह थी। मेरी बेटी जिस साल में थी कम से कम जी तो रही थी। मैं तो पहले ही शहर छोड़ने को राजी था, लेकिन तुमने खुद जिद करके मेरी नेहा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं उसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। उसे बचाने के लिए मुझे अपने हाथों को खून से रंगना क्यों ना पड़े, रंग दूंगा। अगर मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। अविनाश, अविनाश मेरी बात सुनो, अविनाश मेरी बात सुनो। अविनाश लड़की का क्या करेंगे? किसका क्या करना है ये सोचना मेरा काम है। बाबू सवाल पसंद नहीं करता। चल बिच। पुलिस क्यों आई है? चाचा जी आपके ही घर में आई है। मेरे घर में? हाँ। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या चाहते क्या है आप लोग? मैं पूछता हूँ ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे खूनी पोते को गिरफ्तार करने का यही एक जरिया बचा है। वो कानून को समझता क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? उतारा मत करो साहब, ये बख्शा मत करो साहब। अरे अरे सामान मत फेंको, सामान मत फेंको साहब। अरे वो टूट जाएगी। अरे अरे क्या किया आपने? ये साहब आपने क्या किया? वो तस्वीर साहब आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया साहब। द
तो तू अविनाश का दादा है। वेरी गुड, बहुत सही टाइम पे तू हमारे हाथ लगा है। इनामदार ले चलो इसे। हवलदार पकड़ा इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या, अरे मैंने कौन सा बुरा किया तुम्हारा? अरे किसी कहा नहीं जा रहे हैं। अरे मैंने, अरे क्या बिगाड़ा? चड्डा साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस बूढ़े आदमी को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या करेंगे इसका? इनामदार वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अगर नेहा और डॉक्टर खुराना की जिंदगी चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ, 130 आयशिव बंगलो चेंबूर छट्टा। अरे क्या बात कर रहा है ठक्कर, चड्डा पे भरोसा नहीं है क्या तुझे? उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे? कहां रखा तूने डॉक्टर और नेहा को? बता। हेलो चड्ढा, मैं डॉक्टर खुराना बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब मैं अविनाश। अविनाश तुम कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखो चड्ढा ने मुझे महाकाली के पीछे जो वो गोडाउन है ना वहाँ कैद कर रखा है। मैं अभी आया डॉक्टर साहब, और इस कुत्ते को भी साथ ले आता हूँ। चल नेहा, नेहा, डॉक्टर साहब देखिए मैं आपका गुनहगार को आपके सामने लाया हूँ। डॉक्टर साहब अविनाश, भाग जाओ, अविनाश वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, भाग जाओ। नेहा अविनाश प्लीज, नेहा तुम भाग जाओ, अविनाश तुम ठीक हो ना? नेहा वाह वाह, जवानी के खून में इतना उबाल तो होना चाहिए, तुम्हारी इसी अदा ने तो दिल जीत लिया था मेरा। वही वाह डॉक्टर खुराना। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं। सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में, वो डरा हुआ सहमा हुआ डॉक्टर खुराना, अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के चक्कर में यहां वहां भटकता हुआ, वही डॉक्टर खुराना एक नए अंदाज में। मैंने तो अपनी बेटी को भी कैद कर रखा है। दरअसल तुम्हें एक बात बता दूं, नेहा मेरी बेटी नहीं है, उसे तो मैंने इस्तेमाल किया है। अरे तुम्हें फंसाने के लिए दाना फेंका है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जल्लाद हूं, जल्लाद, जल्लाद। क्यों चड्ढा कैसा लग रहा है? तुम और बाबू लंगड़ा ये भूल गए कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। लाशों के अंदर करोड़ों के ड्रग्स बाहर भेजने का आइडिया किसका था? मेरा। पुलिस और कानून को बेवकूफ बनाने की तरकीब किसकी थी? मेरी। और ये काम अगर पुलिस की नजरों में आ जाता तो फांसी किसे होती? मुझे। मौत के धंधे में इतना बड़ा भागीदार होने के बावजूद मुझे क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। इसलिए मैंने तुम दोनों से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। हाँ हाँ मिस्टर टॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
पहले मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर लूंगा, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, ओके? डैम इट, मुझे मालूम था कि वो साला डॉक्टर खुराना। ए चड़ा, क्या हुआ? हाँ, क्या किया उस डॉक्टर खुराना ने? डॉक्टर अब हमारी बराबरी करना चाहता है। उसने टॉम के साथ खुद अपनी डायरेक्ट डील कर ली। अगर डॉक्टर का टॉम के साथ सौदा हो गया। सौदा? अरे सौदा तो तब होगा जब डॉक्टर खुराना जिंदा रहेगा। गुलू, हाँ। तू अपने आदमी को भेज कर, हाँ, डॉक्टर खुराना का काम तमाम कर दे। हाँ। अरे आप तनिक भी चिंता मत करो बाबू सेठ, हम अभी जाके वो डॉक्टरवा का बत्ती बुझाई देते हैं। और तुम दोनों कमीनेपन की इस हद तक पहुंच गए थे कि मुझे ही रास्ते से हटाने की ठान ली। मैं क्या करता? अपने पीछे लगी मौत से बचने के लिए मैं यहाँ वहां भागता रहा। न थी मेरे पास गुंडों की और बंदूकों की वो ताकत जिससे मैं तुम्हारा मुकाबला करता। तभी एक क्लब में मुझसे नौजवान टकरा गया। इसे देखते मुझे अपनी मंजिल का रास्ता सुझाई दिया। इसकी जिस्मानी ताकत तो मैं देख ही चुका था, साथ ही बुराई के खिलाफ लड़ने की आग थी इसके अंदर। इससे पहले कि मैं अविनाश को अपना हथियार बनाता, डॉक्टर राव को मेरी असलियत का पता लग चुका था। खुराना, तो ये है तुम्हारी असलियत? बहुत कुछ सुना था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ, डॉक्टरों के पेशे पर एक बहुत बड़ा कलंक हो तुम। डॉक्टर होते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और तुम लोगों की जान ले रहे हो, मौत का कारोबार कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। सजा? सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम्हारी ईमानदारी की ये सजा है। नेहा को देखते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, समझी? बजाय डॉक्टर राव को अपने रास्ते से हटाने के, मैंने उसकी जिंदगी पर मौत का पहरा बिठा दिया, और नेहा अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हर इशारे पर चलने के लिए बेबस हो गई। नेहा का रोना, हंसना, मुस्कुराना सब मेरे इशारे पर था। मैंने अविनाश को फंसाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाई। उन दिनों मुझे एक नए खतरे का एहसास हुआ। अविनाश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे अपने नाटक से पर्दा उठने के आसार दिखने लगे। मैंने नेहा को किडनैप करवाया और अविनाश को चड्ढा तुम तक पहुंचने का रास्ता बताया। दरअसल मैं तुम्हारा हश्र बाबू लंगड़ा जैसा नहीं चाहता था, क्योंकि टॉम के साथ जो मेरी डील होने वाली थी उस पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे बंगले पर अविनाश को फोन करके इस ठिकाने का पता दिया, और अब बाजी मेरे हाथ में। जीते जी बहुत साथ दिया इसने मेरा, मैं चाहता हूँ ये मरकर भी मेरे काम आए। ये इंजेक्शन मैं इसकी नसों में लगा देता हूँ, और फिर तुम लोग इसे लाश घर में फेंक देना। 24 घंटे के अंदर ये एक लाश बन जाएगा, और फिर इसकी लाश भी हमारे काम आएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मर नहीं सकता। तेरे मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता। ले जाओ और फेंक दे इस हरामजादे को मुर्दा घर में, ले जाओ।
डॉक्टर। जड्डा साहब को गोली मारने से पहले जरा इधर तो देखो। कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? इंस्पेक्टर। क्या डॉक्टर, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था? ये बात तूने ही कही थी ना कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। पलट गई ना बाजी। अपनी जीत के लिए ये कार्ड मैंने संभाल के रखा था डॉक्टर। तुझे इस बुड्ढे को देख के हैरानी हो रही है क्योंकि ये बुड्ढा तेरा बाप है। ये बात सुनकर तुझे कैसा लगेगा कि ये बुड्ढा जो तेरा बाप है ये अविनाश का दादा भी है? जिस नौजवान को तुमने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुर्दा खाने में फेंकवा दिया वो तुम्हारा बेटा है। हाँ डॉक्टर इंद्रमोहन सक्सेना, वो तुम्हारा अपना बेटा है अविनाश सक्सेना। और ये रात खोलने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार था क्योंकि मुझे तुम तक पहुंचना था। पर गई ना करे जो को ठंडक, पहले से ही तो गलत रास्ते पे चलता रहा। तेरी वजह से तेरी माँ और मेरी बहू मर गई। तेरा मनहूस दाया मेरे पोते पे ना पड़े इसलिए मैं उससे पुणे से बंबई ले आया। लेकिन तेरे पापों का नतीजा मेरे पोते की मौत बनकर सामने आया। आखिर ले लीला जान उसकी। चंदा, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे अविनाश की जिंदगी चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर अविनाश की जिंदगी चाहिए चंदा। नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसे मौके पर रहम और करम की भीख नहीं मिलती। ऊपर वाले ने भी तीनों पीढ़ियों का अंत एक साथ कैसे ले लिया? एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखेगा और फिर उस राजा बेटे की मौत हम सब देखेंगे। इनामदार को है चंदा। Ah!
हरामजादे, हरामजादे! मैंने कहा था ना मैं मरूंगा नहीं। बेटे तेरे मरने से पहले मैं मरूंगा नहीं। उसे मत मार बेटे, मत मार उसे। अरे ये तेरा बाप है। को प्यार और विश्वास की बुनियाद पर सजाना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, दूसरों को खुशियां देना। लेकिन मैंने अपने हर रिश्ते में लोगों को सिर्फ दुखी दिए। आज मैं जान गया विश्वासघात सबसे बड़ा गुनाह होता है, एक ऐसा गुनाह जो माफी के लायक नहीं। बाबा आपने सही कहा था, मैं इस धरती पर पाप का बोझ हूं। अविनाश अपना